स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज बात होगी कि क्या है रिश्तों का ज्योतिषीय कनेक्शन। रिश्तों से हम अपने ग्रहों को समझ सकते हैं और इसी प्रकार ग्रहों से रिश्तों को भी समझा जा सकता है। रिश्तों से भाग्य का क्या संबंध है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप ये जानिए कि वाहन खरीदने के लिए सोमवार का दिन सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है, सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। सोमवार के दिन दोपहर के समय में अगर आप वाहन खरीदें तो इसका प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। तो क्या है गुड लक मंत्र, किस तरीके से अगर आप वाहन खरीदने की यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, कब आपको खरीदना चाहिए, पंडित जी ने आपको बताया। आइए अब देख लेते हैं 21 दिसंबर का पंचांग। दिनांक 21 दिसंबर 2021, दिन मंगलवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर के 2:53 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 10:25 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर के 3:47 तक। राहु काल का समय होगा शाम को 3 से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये था पंचांग 21 दिसंबर का, पंडित जी से आपने जाना और इसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कि भाग्य से रिश्तों का क्या संबंध है, रिश्तों से भाग्य का क्या संबंध है, पंडित जी से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए जो ग्रह होते हैं, जिनका अध्ययन हम ज्योतिष में करते हैं, ये जीवन के हर हिस्से पर असर डालते हैं। किसी व्यक्ति की उम्र पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसके धन पर, उसके मन पर, यहाँ तक कि उसके जो रिश्ते हैं वो भी ग्रहों से संबंध रखते हैं। रिश्तों से हम अपने ग्रहों को समझ सकते हैं, इसी प्रकार ग्रहों से रिश्तों को भी समझा जा सकता है। अगर हमें अपने ग्रहों को और किस्मत को अच्छा रखना है तो हमें रिश्तों को भी अच्छा रखना होगा। जो ग्रह समस्या का कारण है उससे संबंधित रिश्ते का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी जिस ग्रह से संबंधित जो रिश्ता है, अगर आप वो रिश्ता ठीक रखते हैं तो वो ग्रह आपके लिए लाभकारी हो जाएगा, उस ग्रह से संबंधित फायदा आपको मिल पाएगा। तो रिश्तों से भाग्य का क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, ये पंडित जी ने आपको बताया। आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरीके से प्रभावित होते हैं आपके रिश्ते आपके भाग्य से। फिलहाल अब राशियों की बात कर लेते हैं, देखते हैं मेष वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन की मुश्किलें जो चली आ रही थी वो मुश्किलें आपकी दूर होंगी, धन की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर आपकी चिंताएं दूर होंगी, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। वृषभ राशि, आपके काम में आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा रहने वाली है। अपने कैरियर का ध्यान अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आपको आकस्मिक यात्रा करनी पड़ सकती है, उसकी संभावना दिख रही है।
शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन सुखी होगा, परिवार की मुश्किलें कम होंगी, नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन इस समय हो सकता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से इस समय भेंट भी हो सकती है और उससे लाभ भी हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, सबसे ज्यादा आपका भाग्य है 85%। तो ये तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों की, कैसा बीतने वाला है उनका दिन और कितना भाग्य उनका साथ दे रहा है ये पंडित जी ने आपको बताया। आगे की राशियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बात अब हमारे विषय की कर लेते हैं, भाग्य और किस्मत किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। चलिए आपके रिश्तों से ये बात करते हैं, और सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें तो पंडित जी, पिता से किस ग्रह का यहाँ पर संबंध होता है, किस तरीके से जो ग्रह हैं वो पिता पुत्र के रिश्ते को प्रभावित करते हैं या फिर पिता पुत्री कुछ भी हम कह सकते हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए रेखा, ज्योतिष में पिता का संबंध जिस ग्रह से मानते हैं उसे कहते हैं सूर्य। अगर कोई व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रखता, तो उसके सूर्य की स्थिति खराब होती जाती है। सूर्य अगर आप खराब करेंगे तो आपको अपयश मिलेगा, सरकारी समस्याएं होंगी, हृदय रोग संबंधी समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं तो इससे सूर्य मजबूत होता है और जीवन में बहुत सारे नाम और यश की प्राप्ति व्यक्ति को हो पाती है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य बेहतर नहीं है तो आप अपने पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा रख करके बिना किसी विशेष उपाय के अपने सूर्य को बेहतर बना सकते हैं। तो किस ग्रह से संबंध किसका होता है यही हम आज बात कर रहे हैं। तो पिता का संबंध सूर्य ग्रह से होता है, तो किस तरीके से आपको अपना सूर्य मजबूत करना है, अपने पिता से अपने रिश्ते मजबूत करने हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आइए अब बात माता की करते हैं, क्योंकि ज्योतिष में माता का संबंध किस ग्रह से होता है ये भी जान लेते हैं। जी देखिए, ज्योतिष में माता का संबंध होता है चंद्रमा के साथ। पिता का मतलब सूर्य और माता का मतलब चंद्रमा। अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करते तो चंद्रमा आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, मानसिक समस्याएं होने लगती हैं, स्वास्थ्य के रोग होने लगते हैं, अल्प आयु जैसी नौबत आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने संबंध अपने माता के साथ ठीक रखते हैं, माता का सम्मान करते हैं, तो इससे मानसिक समस्याएं दूर होती हैं और आपकी आयु लंबी होती है। तो चलिए, तो बात हो गई पिता का संबंध किस ग्रह से होता है और माता का संबंध किस ग्रह से होता है और कैसे अपने ग्रहों को आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। फिलहाल आगे और भी हम इस पर चर्चा करेंगे, बात अब राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखिए, बेवजह की चोट चपेट आपको लग सकती है। अपने वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। इस समय किसी मित्र की सहायता से, किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। सिंह राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी आपको, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए, दूसरों के काम में अपनी टांग मत अड़ाइएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं,
सेहत की स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। इस समय किसी मनोरंजक कार्य में, इंटरटेनमेंट के कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिख रही है। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से करना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपके सवालों का, आपकी समस्याओं का समाधान देंगे पंडित शैलेंद्र पांडे जी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं भाई बहन की। तो भाई बहन का पंडित जी यहाँ पर कौन से ग्रहों से संबंध यहाँ पर ज्योतिष में बताते हैं? देखिए, ज्योतिष में सामान्यतः मंगल को भाई बहन का कारक मानते हैं, भाई बहन से संबंधित मानते हैं। अगर आप अपने रिश्ते अपने भाई बहन के साथ खराब करते हैं तो इससे आपका मंगल कमजोर होता है। रक्त संबंधी समस्या, ब्लड की प्रॉब्लम, मुकदमेबाजी, दुर्घटना और कारावास यानी जेल जाने के योग बन सकते हैं। अगर आप अपने भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रखते हैं तो संपत्ति का लाभ होता है। संपत्ति और दुर्घटना की समस्या जीवन में कभी भी परेशान नहीं करती है। तो भाई बहन का संबंध यहाँ पर मंगल ग्रह से पंडित जी ने बताया। इसी तरह नाना नानी और ननिहाल की अगर बात करें पंडित जी, तो ननिहाल के लोगों का कौन से ग्रहों से संबंध होता है? देखिए, ज्योतिष में नाना नानी और ननिहाल के लोगों का विचार किया जाता है बुध के साथ। अगर ननिहाल के लोगों का सम्मान ना करें, उनके साथ संबंध अच्छे ना रखें, तो बुध कमजोर हो जाता है। कर्जा होता है, खराब वाणी होती है, आर्थिक नुकसान की स्थितियां भी निश्चित रूप से बन जाती हैं। ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ अगर आप अपने संबंध ठीक रखते हैं तो कभी भी आर्थिक उतार चढ़ाव नहीं होता, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स की समस्या आपको परेशान नहीं करती है। तो ननिहाल पक्ष के लोगों का संबंध यहाँ पर बुध से पंडित जी ने बताया। इसी तरह आपके और भी रिश्ते होंगे, उनका संबंध किस ग्रह से है ये आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। पंडित जी, तुला राशि, अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस समय आपकी शादी तय हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन भी दिख रहा है और धन की प्राप्ति भी दिख रही है। इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे हो पाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर का बहुत ध्यान आपको बनाए रखना होगा। व्यर्थ के विवादों से अगर आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, अनुकूल फल मिलेंगे। परिवार में किसी भी तरह के विवादों से आपको बचना होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी तीन राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें कि आज भी एक महा उपाय आपका इंतजार कर रहा है, तो कहीं जाइएगा मत। फिलहाल बात अब कर लेते हैं दादा दादी की। जी हाँ, बाकी रिश्तों की हमने बात की, किस तरीके से जो आपके रिश्ते होते हैं वो ग्रह से संबंधित होते हैं, तो ऐसे में पंडित जी दादा दादी से किस ग्रह का संबंध यहाँ पर होता है? अगर हम दादा और दादी की बात करें तो बृहस्पति की स्थिति से दादा और दादी की स्थिति का विचार किया जाता है
कहीं कहीं पर राहु से भी इसको जोड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पार्ट है वो बृहस्पति वाला है। दादा दादी का सम्मान ना करने से बृहस्पति की स्थिति कमजोर होती चली जाती है। पेट और लिवर की गंभीर समस्याएं होती हैं। विद्या और शिक्षा की स्थिति खराब हो जाती है। दादा दादी का अगर आप सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति ज्ञानी और बुद्धिमान बन जाता है। तो अलग अलग ग्रहों का किस तरीके से आपके रिश्तों से संबंध होता है, ये आज हमने जाना पंडित जी के जरिए। अब बढ़ते हैं आगे और वक्त अब हो गया है आप लोगों के सवाल का, तो देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। निवेदिता ने हमें सवाल लिखा है, कोलकाता से लिखती है ये। जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1992। जन्म का समय है शाम को लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। निवेदिता ये पूछ रही हैं कि विवाह होने की संभावना क्या है, स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, वो होगा या नहीं होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। निवेदिता, आपकी कुंडली के हिसाब से 2022 के अंत में आपका विवाह होगा। ये विवाह आपका अपनी इच्छा से ही होगा और आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहने वाला है। कुंडली में विवाह को लेकर या वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई समस्या नहीं है आपके लिए। आपको सिर्फ इस समय अक्टूबर 2022 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत को लेकर के स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना। चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो अगर आपके भी कोई सवाल है, कोई समस्या है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, हमें लिख दीजिए हमारी ईमेल आईडी पे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का राशिफल। मकर राशि, जीवन साथी के साथ जो आपके मतभेद थे, विवाद थे, वो सुलझ जाएंगे। नौकरी में इस समय आपको नया अवसर मिलता हुआ दिख रहा है और अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, करियर में व्यस्तताएं ज्यादा दिख रही हैं, काम का नया अवसर आपको मिलता हुआ दिख रहा है और संपत्ति से संबंधित अगर कोई मुश्किल थी तो वो मुश्किल इस समय हल हो जाएगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर होगा 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, निकट के संबंध आपके खराब हो सकते हैं, ध्यान रखिए। संतान के मामलों में अभी विलंब दिखाई दे रहा है, लेकिन धन की स्थितियां आपकी ठीक बनी रहेंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने बताया कि कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है। कुछ उपाय भी पंडित जी हर रोज की तरह आज भी यहाँ पर उन्होंने दिए हैं, तो उन उपायों को भी आप अपना सकते हैं अपनी किस्मत चमकाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन है 21 दिसंबर को, तो कैसा रहने वाला है पंडित जी उनका आने वाला साल। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 21 दिसंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन और आपकी कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति और वाहन का लाभ इस समय हो सकता है, लेकिन इस साल स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी दिख रहा है। साल के अंत में आपके विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे, पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत
अच्छा रहेगा। और चलिए अब आखिर में वक्त हो गया है महा उपाय का, देखते हैं आज का महा उपाय किस तरीके से आपको लाभ पहुंचा सकता है। आज के महा उपाय में हम आपको बताते हैं कि आप संपत्ति, फ्लैट, मकान, दुकान खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और उसमें बाधा आ रही है तो क्या करें, रोज सवेरे सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए और एक बार, एक महीने दो महीने में एक बार हनुमान जी के मंदिर में नारंगी रंग का झंडा अर्पित कर दीजिएगा, आपको संपत्ति का लाभ जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया, हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को उनका भाग्यफल बताने के लिए भी आपका शुक्रिया पंडित जी, धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।